रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। देश में जब भी संकट के बादल गहराए तब तब इसी रेजिमेंट को याद किया गया। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार, हाथ में खुखरी हो तो ये मौत को भी सबक सिखाने का मादा रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत में गोरखा कैसे आया, तो आपको बता दें कि नेपाल से गोरखा आए हैं। हिमालय की तलहटी में बसा नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो योद्धाओं के लिए विख्यात है। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं बल्कि उन्हें पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों से भर्ती किया जाता है। गोरखाओं को लेकर कहते हैं कि गोरखा जब अपनी खुखरी निकालता है तो वह दुश्मनों का खून बहाए म्यान में नहीं जाता। गोरखा पलटन विश्व के सबसे बहादुर पलटनों में से एक है। गोरखा पलटन भारतीय सेना से 1815 में जुड़ी थी। 1814 से लेकर 16 के आंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखा सेना की लड़ाई की तरकीब और उनकी बहादुरी से ब्रिटिश इतने खुश हुए कि गोरखा को ब्रिटिश भारतीय सेना से जोड़ लिया। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि गोरखा आर्मी सिर्फ भारत की सेना में है तो आप गलत हैं। नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश आर्मी का गोरखा ब्रिगेड भी बहादुरी के लिए मशहूर है। अपनी बहादुरी से गोरखा पलटन ने कई युद्ध जीते हैं, जैसे 1947-48 में उरी सेक्टर, 1962 में लद्दाख, 1965 और 1971 में जम्मू और कश्मीर। श्रीलंका भेजी गई शांति फोर्स में गोरखा पलटन भी थी। गोरखा पलटन के लिए ऑफिसर्स को गोरखा भाषा सीखनी पड़ती है। ब्रिटिश या भारतीय ऑफिसर्स के लिए जरूरी है ताकि वह अपनी सेना के सैनिकों से उनकी ही भाषा में बात कर सके। गोरखा पलटन के नियमों के अनुसार दशहरा पर भैंसे की बलि देने का रिवाज है और यूनिट के सबसे जवान सैनिक को यह अवसर मिलता है। इससे पहले देश के आर्मी चीफ रहे दलबीर सिंह सुहाग भी गोरखा राइफल्स से ही थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी इन्हें अपनी सेना में स्थान दिया था। गोरखा रेजिमेंट को बहादुरी और अदम्य साहस की वजह से इंडियन आर्मी लड़ाकू नस्ल मानती है। इस वजह से गोरखा रेजिमेंट को कई सुविधाएं भी दी जाती है। भारत के लिए भी गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में अनेक पदकों और सम्मानों से अलंकृत किया गया, जिनमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल है। बलिदान ही इस रेजिमेंट की पहचान है। यहाँ होने का मतलब चुनौतियों से दोचार होना है। मातृभूमि पर मिटना इस रेजिमेंट की पहचान है। धन्य है यह रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है।